हाई एवरी वन, दिस इज डॉक्टर पल्लवी एंड वेलकम टू माई चैनल। तो आज एक नए वीडियो के साथ और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में मैं आई हूँ। तो आज मैं बात करूँगी कि किस तरह से आप हेल्दी पपीज़ को पैदा कर सकते हैं, और उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट करवाना है, प्री ब्रीदिंग टेस्ट जिसको कहते हैं, और आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। तो बेसिकली मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपका जो फीमेल डॉग है या तो फिर आपका जो स्टड डॉग है वो सेफ रहेंगे, और सबसे बड़ी बात आपको एक हेल्दी लीटर डेफिनेटली मिलेगा। हेल्दी लीटर का मतलब है जो कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पपीज़ पैदा होते हैं 15-16 नंबर्स, वो लीटर कहते हैं इसको। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करें। जो हेल्दी लीटर जो होता है, पपीज़, हेल्दी पपीज़ जो पैदा होते हैं, चाहे वो बिग साइज़ का लीटर हो 15-16 या तो फिर 22 इवन, तो इस तरह की जो बिग लीटर और हेल्दी लीटर जिसमें एक भी पपी का लॉस ना हो, एक भी पपी डेथ ना कर जाए आफ्टर बर्थ, इस तरह की हेल्दी लीटर को पाने के लिए आपको बहुत पहले से ही अच्छे से प्रिपेरेशन करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात जो है, मेल और फीमेल दोनों को ही हेल्दी रखना पड़ता है, उनको स्पेशली केयर देना पड़ता है थ्रू आउट द लाइफ बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर द ब्रीडिंग पर्पस। जो मेल डॉग है उसको रेगुलरली आपको हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए ताकि आप चेक कर सके कि कहीं वो सेक्सुअली ट्रांसमिसिबल डिजीज़ कैरी तो नहीं करता, या तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ है किसी दूसरे फीमेल से। फीमेल डॉग में भी आप वेजाइनल साइटोलॉजी टेस्ट नाम का एक टेस्ट है जो एवरी नाउ एंड देन एंड स्पेशली मेटिंग से पहले आपको करा लेनी चाहिए। इससे आपको पता लगेगा कि कहीं वेजाइना का जो जो सिक्रेशन है उसमें बैक्टीरिया या फिर वायरस या तो फिर फंगस का इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको फर्दर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा और उससे आपको उसको सेफ रखना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फीमेल डॉग है उसको ओवरवेट नहीं होने देना है अगर वो ब्रीडिंग पर्पस के लिए आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो। अगर आपको उसे ब्रीडिंग कराना है तो आप रेगुलरली उसको एक्सरसाइज करवाइए, उसको ओवरवेट कभी भी होने मत दीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बैलेंस डाइट की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बैलेंस डाइट है वो अल्टीमेटली लीटर को होल्ड करने में माँ को हेल्प करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे माँ के बॉडी के अंदर ही उसके जो यूटरस है उसमें लीटर रहेगा, बच्चे रहेंगे, तो उनको अच्छा सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहले से ही माँ का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत बड़ी बात है, जो होने वाली मदर है, जो ब्रीडिंग कराने वाले हैं आप फीमेल आपके डॉग को, तो उसका मेंटल कंडीशन भी, जिसको हम इग्नोर करते हैं, उसका मेंटल कंडीशन भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अब मेंटल कंडीशन हेल्दी होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप उसको कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग मत कराइए। हर साल में दो बार वो ब्रीदिंग करा सकते हैं आप उसका, दोनों ही बार मत कराइए, एक बार कराइए फिर उसको रेस्ट दीजिए। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डिप्रेस ना हो, उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा जो एक्सेसिव ब्रीदिंग के वजह से उसका बॉडी वीक ना हो जाए, उसका मेंटली वो थोड़ा सा वीक ना हो जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इसका इग्नोर करते हैं, लेकिन एथिकली अगर आप कंपैशनेटली अगर आप इस चीज़ को देखें, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और मैं आपको हमेशा एनकरेज करती हूँ सो दैट आपकी जो फीमेल डॉग है उसके ऊपर कोई अब्यूज़ टाइप का ना हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इस बात का ख्याल रखिए। तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, और तो आप डेफिनेटली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल वाला नोटिफिकेशन को दबा के मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। कल एक नए वीडियो के साथ फिर से आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।